हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और अगेन मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा जोरदार प्रोडक्ट लेके आया हूँ, विच इज ऑर्गेनिक मसल गेनर। मेरे को इंस्टाग्राम पे अराउंड लास्ट एक हफ्ते से रेगुलर एक बंदा है वो इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है कि सर प्लीज इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो ये है मसल गेनर कैप्सूल। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसको आप खाएंगे रात में और सुबह उठेंगे तो आपकी मसल बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये करता क्या एक्चुअली, ये पूरा ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है। ये आपको साइज, मसल साइज बूस्ट करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? ये आपकी बॉडी में, आपके जो मसल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा, वैसो डायलेशन करेगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो आपके ब्लड में वैसो डायलेशन करेंगे, आपके जो खून है वो नसें हैं, जो खून की नसें हैं, जो ब्लड है, ब्लड वेसल, उसमें उसको फैला देंगे। वैसो डायलेशन मीन्स ब्लड वेसल को डायलेट करेगा ताकि मैक्सिमम खून ब्लड जो है हमारा वो मसल तक पहुंच पाए ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करेंगे तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, पहले मैं बता दूं कि हमें होता क्या है। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम बॉडी में बनाते हैं, हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल में ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन इज अ मतलब एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि मसल के अंदर रहता है, जमा रहता है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो एरोबिकली, जब हमारी मसल वर्क करती है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम मसल वर्क करते हैं तो ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी वहाँ पे धीरे 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 ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है और वहाँ पे एक लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। लैक्टिक एसिड जब डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे वो आपको क्या करेगा, पेन फीलिंग आना चालू हो जाएगी। जब मसल के अंदर आप ज़्यादा रिपीटेशन लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे खूब एक्सरसाइज करो, रिपीटेशन करो हैवी वेट से, तो मेरी मसल बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। अभी वो जब वर्क करेगी तो एरोबिकली जब तक वर्क करेगी तब तक वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही एन एरोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो वर्क करेगी तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा। लैक्टिक एसिड हमें पेन सेंसेशन फील कराता है जिसके कारण हमको वेट करना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है कि बॉडी बोलती बस अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका, अब तुम थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें जब तक वो लैक्टिक एसिड नहीं रिमूव होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आप रुक जाते हो। लैक्टिक एसिड रिमूव कैसे होता है? थ्रू ब्लड। जैसे ही वहाँ पर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हुआ, हमने थोड़ा वेट किया, हमने एक मिनट दो मिनट हमने वेट किया वहाँ पे, तो अभी क्या होगा कि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन हुआ और वहाँ से लैक्टिक एसिड को रिमूव कर दिया उसने, हमें पेन होना खत्म हो गया, हम वापस से रिफ्रेश हो गए हमारी मसल। अभी कोई भी रीज़न से जब हम सर्कुलेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड का डिपॉजिशन टाइमिंग है वो कम हो जाएगा, ओके। तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो जो मुझे एक मिनट का रेस्ट लगता है, वहाँ पे जब सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वैसे डायलेशन हो जाएगा, खून का फ्लो बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिशन कम रहेगा और खून का फ्लो, जो सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है वो उस लैक्टिक एसिड को रिमूव कर देगा। लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाएगी तो क्या करेगा वो, आपको पेन का सेंसेशन नहीं होगा, तो आप ज़्यादा रिपीटेशन लगा सकते हो। आप रिपीटेशन लगा रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करो स्ट्रॉन्गली, बिकॉज लैक्टिक एसिड फटाफट रिमूव हो रहा है बिकॉज ऑफ वैसो डायलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका वैसो डायलेशन कराना है। दूसरा, ये साइज को गेन करता है बिकॉज जब आप, ये आपकी एनर्जी को बूस्टअप कर देगा, आपके स्टैमिना को बूस्टअप कर देगा, आपको थकान नहीं होने देगा, ओके। आपको थकान नहीं आएगी, आपकी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी और आपको इसमें जब ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपकी मसल फाइबर ब्रेक होगी। जो मसल फाइबर ब्रेक होगी, मसल फाइबर ब्रेक होने के बाद क्या होगा, जिसकी रिकवरी होगी तो वहाँ पे न्यू मसल फाइबर गेन बनेंगे। तो उसके साथ साथ आप जब न्यू मसल फाइबर बनेंगे तो वो आपकी मसल का साइज बढ़ा देगा। इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, प्रोटीन डाइट लेना है साथ में, ताकि आपके मसल फाइबर अच्छे से मसल बन पाए, क्योंकि मसल बनती प्रोटीन की। तो जब आप जिम जाते हैं तो अच्छा, ये जो जिम एक्सरसाइज करें ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप नॉर्मल ये मत सोचना कि जो नॉर्मल लोग हैं वो इसको खाएंगे, रात में खाएंगे और सुबह उठेंगे और आप सोचोगे कि आपकी मसल बन जाएगी या घर बैठे बैठे मसल बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, ओके। इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साथ में वेट गेनर खाएं, ये आपकी भूख बहुत बढ़ा देगा और डाइजेशन बहुत इंप्रूव कर देगा। जो आप खाओगे ना वो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होकर वो यूटिलाइज होगा, और ये जब इसको खाएंगे तो आपकी मसल गेन साइज और अच्छा बढ़ जाएगा बिकॉज खाना भी एब्जॉर्ब हो रहा है अच्छे से और यूटिलाइजेशन भी हो पा रहा है उसका, और बॉडी सही तरीके से उसको एब्जॉर्ब करके उसको मसल तक भेज देगी कि ले भाई तेरे लिए प्रोटीन भेजा है मैंने, तेरे लिए कार्ब्स भेजे मैंने, तेरे लिए फैट भेजा है, जाके ग्रो हो जा। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट ऐसा बोल के नहीं भेजती। तो इसके अंदर टोटली सेफ है बिकॉज इट्स टोटली आयुर्वेदिक, इसके अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर 30 कैप्सूल का बॉक्स आता है, एक कैप्सूल आपको खाना है।
इसको बिफोर वर्कआउट एक घंटे पहले खा सकते हो आप जब जिम जा रहे हो तो एक घंटे पहले खा लें, और इसको रात में अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो इसको रात में खा के सो जाएं और सुबह वर्कआउट करें। ऐसा पहले दिन स्टार्ट करना, अगर आप दिन में वर्कआउट करते हो तो सुबह, जैसे वर्कआउट मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ तो इसको मैं रात में खा लेता हूँ, आराम से सो जाता हूँ, ये रात में अपना वर्कआउट करता हूँ। जब सुबह में जाता हूँ तो मैं बहुत ही फ्रेश अप रहता हूँ, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है और मैं जाके खूब सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। बट अगर आप कभी भी नॉर्मल जो भी एक्सरसाइज करें तो उसको एक घंटे पहले या दो घंटे पहले आप इसको खा लेना दूध के साथ या समथिंग, जो भी आपको ड्रिंक जूस के साथ पीना है कैसे भी आप पीना ले सकते हो। और मेन तो यही है कि कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इसमें मसल गेनर लिखा है तो आप खाएंगे वो मसल बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सरसाइज करके ही मसल बनानी है, इसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं है, इट्स ऑल स्टेरॉइड फ्री, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं जो स्टेरॉइड हो। आप चाहो तो लैब में चेक करा लेना। और इसकी MRP 3000 rupees, 30 days का कैप्सूल है, एक महीने चलेगा, और आपको फर्स्ट डे में ही पहले दिन ही आपको खाते ही इसमें फ़र्क दिख जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाएगा, आपको एक्सरसाइज करने में मजा आने लगेगा क्योंकि आप ज़्यादा सेट लगा पाओगे। अगर आप 5 किलो उठा पा रहे हो तो आप इसको खाने के बाद 10 किलो उठा पाएंगे, बट ये नहीं कि इसको खाने के बाद आप सोचिए मैं 100 किलो उठा लूँ, नहीं ऐसा भी मत करिएगा। स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी और जो गेनिंग होगी वो एक्चुअल आपकी डाइट के साथ होगी, तो उसके साथ साथ वेट गेनर कैप्सूल भी लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर ये आपका वेट भी बढ़ाएगा, ठीक है, ऑलरेडी अगर आपका वेट अच्छा खासा है आपको कम करना है कुछ है तो आप उसको मत लीजिएगा, आपको सिर्फ ये लेना है। अगर आप थिन हैं पतले हैं तो आप इसको दोनों को साथ में लीजिएगा, और जैसे अगर आप हेल्दी हैं मोटे हैं आपको वेट कम करना है या नॉर्मल साइज है आपका, नॉर्मल सब कुछ है, तो आप सिर्फ इसको डायरेक्ट लीजिएगा। इसके MRP है 3000 विद 430 कैप्सूल, फर्स्ट डे में ही आपको फर्क दिख जाएगा, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक्चुअल में, तो आप इसको आराम से ले सकते हो। और इसको लीजिए, बॉडी बनाइए और फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे आके मुझे मेरे किसी भी पिक्चर में या मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे जल्दी दिख जाता है, और वहाँ पे आके मुझे बता सकते हो कि आपको रिजल्ट कैसे लगे। कोई भी डाउट है तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ, आपका डॉक्टर, फेवरेट डॉक्टर, डॉक्टर अरविंद गुप्ता। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अरविंद गुप्ता। और ये मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपको lescomic.com, www.lescomic.com, वहाँ पे जाइए, इसको परचेस कर लीजिए और अपनी बॉडी